हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ वेज हक्का नूडल्स। इसके लिए हमें चाहिए कटा हुआ प्याज, कटा हुआ हरी मिर्च और अदरक लहसुन और गाजर और कैप्सिकम और बॉईल किया हुआ नूडल्स और बॉईल किया हुआ कॉर्न। और इसके साथ हमें चाहिए एक थोड़ा सा विनेगर चाहिए और थोड़ा सा सोया सॉस चाहिए। तो सबसे पहले हमें कढ़ाई गरम करना होगा, लो मीडियम में गरम करना होगा। जब कढ़ाई गरम हो जाए उसके बाद हम उसमें 3 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल गरम होने के बाद हम उसमें चॉप्ड गार्लिक डालेंगे और चॉप्ड जिंजर डालेंगे। वो थोड़ा फ्राई कर लेंगे, फिर उसके बाद हम उसमें कटा हुआ प्याज डालेंगे। प्याज के बाद हमें उसमें जो कटा हुआ जो सब्जी हम लोग रखे थे, जैसे कि कैप्सिकम और गाजर और कॉर्न भी डालेंगे हमें उसमें, और उसको थोड़ा हाई में हमें फ्राई करना है। और थोड़ा सा चिली अगर आपको पसंद है, थोड़ा सा स्पाइसी अगर आपको पसंद है तो आप उसे मिला सकते हैं, और स्वाद अनुसार नमक भी देंगे। फिर हमें इसे अच्छी तरह से फ्राई करना है, थोड़ा हाई में फ्लेम को रख के इसको हमें फ्राई करना है। अब जब ये फ्राई हो जाए फिर इसके बाद हमें इसके ऊपर जो बॉईल किए हुए थे जो नूडल्स रखे थे इसको हम लोग ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा विनेगर डालेंगे। थोड़ा सा सोया सॉस डालेंगे। और इसके बाद हमें हाई फ्लेम में रख के इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है। अब देख सकते हैं ये हो गया है, अभी रेडी हो गया है। अभी इसके ऊपर हम थोड़ा सा ब्लैक पेपर डालेंगे। ब्लैक पेपर डालने के बाद अभी ये रेडी हो गया है, अभी आप इसे सर्व कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरा वीडियो आपको, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और ऐसे नए नए रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद।